दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ के घपले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 6000 करोड़ के घपले का आरोप लगाया। एमसीडी में हुआ 6000 करोड़ का टोल टैक्स घोटाला। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये घपले का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की मिली भगत से घोटाला हुआ। दुर्गेश पाठक ने बयान दिया, टोल टैक्स में बड़ा घोटाला हुआ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जांच की सिफारिश की है। सिसोदिया ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सिसोदिया ने एलजी से सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े घपले का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ के घपले का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 6000 करोड़ के घपले का आरोप लगाया है। एमसीडी में बता दें आपको 6000 करोड़ का टोल टैक्स घोटाला ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी नेताओं की मिली भगत से घोटाला हुआ। दुर्गेश पाठक ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि टोल टैक्स में बड़ा घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जांच की सिफारिश की है। तो सिसोदिया की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और सीबीआई जांच की अब इस पूरे मामले को लेकर मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6000 करोड़ के घोटाले का ये मामला, टोल टैक्स में बड़ा घोटाला हुआ। दुर्गेश पाठक की तरफ से ये बात कही गई है। तो आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि एमसीडी में 6000 करोड़ के घपले का जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया, एमसीडी में 6000 करोड़ का टोल टैक्स घोटाला हुआ है। तो आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार से। तरुण, 6000 करोड़ के घोटाले का यहां पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, और इस मसले के ऊपर कल आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की थी और अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक लेटर लिखा है उपराज्यपाल को और इस मामले के अंदर सीबीआई जांच की मांग की है। मामला दरअसल ये है कि आरोपों के घेरे में एमसीडी के उस फैसले को लिया जा रहा है जिसमें कि टोल टैक्स के लिए कंपनीज को हायर किया जाता है और आम आदमी पार्टी की सरकार का यह आरोप है कि दिल्ली नगर निगम में इस मसले के ऊपर 6000 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है और ये बीजेपी नेताओं की मिलीभगत के कारण टोल टैक्स के अंदर जो सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए था, यानी कि एमसीडी को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था उस पर हानि हुई है। और ये आंकड़ा दिया गया है कि रोजाना दिल्ली के अंदर 10 लाख कमर्शियल वाहन रोज गुजरते हैं लेकिन जो टोल टैक्स दिया जाना चाहिए इन वाहनों की तरफ से वो पूरी तरह से सरकारी खजाने में नहीं आ पा रहा है और 1200 करोड़ रुपयों का जो लाइसेंस है जो टोल टैक्स की वसूली के लिए कंपनी को दिया गया है वो महज 786 करोड़ में देने का आरोप मनीष सिसोदिया अपने लेटर के अंदर लगा रहे हैं। और अब इसके ऊपर देखना होगा कि सीबीआई जांच एलजी की तरफ से बिठाई जाती है नहीं बिठाई जाती, ये उस सिनेरियो के अंदर बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही के अंदर मनीष सिसोदिया के खिलाफ नई आबकारी नीति के तहत एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इसके ऊपर अब राजनीति भी पुरजोर तरीके से दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिली है। लिहाजा आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाकर एक तरह से काउंटर स्ट्रेटेजी के तौर पर काम कर रही है कि अगर उपराज्यपाल कुछ संदिग्ध होने के ऊपर सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच बिठा सकते हैं तो एमसीडी जो आरोपों के घेरे में है, टोल टैक्स की वसूली का जो मामला है जिससे कि सरकार को 6000 करोड़ रुपयों की हानि हुई है, इस मामले के ऊपर भी सीबीआई की जांच बनती है। बिल्कुल, और तरुण क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर आगे किस तरह की जांच हो सकती है और एमसीडी की तरफ से कोई इस पर सफाई आई? देखिए, एमसीडी के अंदर चूंकि भंग हो चुकी है और प्रशासनिक अधिकारी इस एमसीडी की पूरी कार्यशैली को देख रहे हैं, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब इन अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया आती है। हो सकता है कि जब ये एस्केलेट करें इशू और पॉलिटिसाइज हो तब इन अधिकारियों की तरफ से स्पेशल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ज्ञानेश भारती की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया जाए। और क्या लगता है क्या जांच को लेकर यहाँ पर किस तरह से आगे बात बढ़ सकती है? देखिए, ये पहली बार नहीं है जब एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है न्यू एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, मनीष सिसोदिया को घेरे हुई है बीजेपी और विपक्षी दल और उनके बर्खास्तगी की मांग करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लिहाजा अब दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को भी विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने का शायद इस मामले के ऊपर मौका मिल सकता है। लेकिन उससे पहले क्या एलजी सीबीआई जांच के आदेश देते हैं या नहीं देते हैं ये अहम होगा। अगर वो दे देते हैं तो सरकार और खासतौर पर सत्तारूढ़ दल के पास एक बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं देते हैं सीबीआई जांच की सिफारिश
आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आम आदमी पार्टी को नए सिरे से ये मोर्चेबंदी करने के अंदर खुला अवसर मिल जाएगा कि जो उपराज्यपाल हैं वो भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं, चुनी हुई सरकार के खिलाफ वो सीबीआई जांच की सिफारिश करने में देर नहीं लगाते हैं, लेकिन 15 साल से जो बीजेपी के अंदर सत्तारूढ़ एमसीडी थी और अब केंद्र सरकार के अधीन सीधे एमसीडी की कार्यशैली है, लिहाजा उनके खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है तो एलजी आरोपों के मुताबिक सीबीआई जांच करने से परहेज करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।